इनके लब रंगी मिठाबल के जिसने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट का सीज़न 2 का पहला टेस्ट हो चुका है, उसमें पूछे गए सवाल और उसके जवाब के ताल्लुक से मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, यानी जो उनके जवाबात हैं उनको। ये सारे सवाल जवाब डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं, और पिछले सीज़न में जवाब की वीडियो आई थी, लेकिन अभी क्योंकि टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है इस वजह से, दूसरे के मौसम गर्मी का बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वीडियो रिकॉर्डिंग भी आसान नहीं है, इसीलिए थोड़ा ऑडियो और वीडियो मिक्स करके काम चलाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जवाब जिस तरह से वीडियो में आते थे आते रहेंगे, मगर ऑडियो का सिलसिला बंद नहीं होगा, ये भी जारी रहेगा, ऑडियो भी होंगी और वीडियो भी होंगी। दूसरे सीज़न में पूछे गए 10 सवाल जो पहले टेस्ट में थे, वो मैं सीरियल वाइज पढ़ देता हूँ, उनके जवाब आप लोग मैच कर लें, किसने सही जवाब दिया है किसने नहीं। पहला सवाल था कि इस्लाम के पिलर में एक ज़कात भी है, यानी जो 5 स्तंभ हैं इस्लाम के, उनमें 5 बुनियादी पिलर्स में जो है वो एक ज़कात भी है। सही जवाब था यस, ज़कात भी है। सवाल नंबर 2 था, बिना वज़ू क्या गुसल कर लेने से वज़ू भी हो जाएगा, यानी बिना वज़ू किए सिर्फ़ गुसल कर लेने से क्या वज़ू हो जाएगा। इसका जवाब था यस, बग़ैर वज़ू किए अगर किसी ने गुसल किया तो इस सूरत में भी उसका वज़ू माना जाएगा। नंबर 3 सवाल था, सोते वक्त बिस्तर पर पेशाब कर दिया तो अब क्या गुसल करना ज़रूरी है, तो इसका जवाब है नहीं, सोते वक्त अगर बिस्तर पे किसी ने पेशाब कर दिया तो ऐसी सूरत में उस पर गुसल करना ज़रूरी नहीं है, यानी गुसल उस पर फ़र्ज नहीं है, आधा जिस्म धो सकता है। और इसके ताल्लुक से मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, किसी भी किस्म की वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे आसानी से सर्च करा करें सिकंदर वारसी अबाउट बिस्तर पे पेशाब करना, या फिर सिकंदर वारसी ना लिख कर SMS वारसी लिख दें तो भी इंशाल्लाह ताला वीडियो आसानी से मिल जाएगी, वरना तहारत की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इस सवाल के जवाब में जो वीडियो बनी है वो आपको मिल जाएगी। नंबर 4 सवाल था कि नमाज में 2 वाजिब छोड़ देने से भी सजदा सहव कर सकते हैं, इसका जवाब था नहीं, नमाज में 1 भी वाजिब छोड़ देने से सजदा सहव नहीं कर सकते, बल्कि धोखे से छूट जाने से सजदा सहव कर सकते हैं, छोड़ देने से नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कोई जानकर वाजिब छोड़ दे, चाहे 1 छोड़े या 2 वहाँ सजदा सहव नहीं होगा, तो इसलिए ये सवाल था छोड़ देने से, जबकि सजदा सहव होता है वो छूट जाने से होता है, यानी खुद छूट जाए ना कि छोड़ा गया हो। नंबर 5 था सवाल, हैज़ पूरा होने पर औरत को गुस्ल में सारे बाल धुलना ज़रूरी है, इसका जवाब था नहीं, औरत को हैज़ से पाक होने पर या नॉर्मल नापाक होने पर गुसल जब करेगी तो मुकम्मल उसको पूरे जड़ समीद, यानी कोने बाल की जो नोक होती है सर से लेकर नोक तक पूरे धोना ही ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में वीडियो बनी हुई है, जिसको तफसील जाननी है वो सर्च कर ले यूट्यूब पर सिकंदर वारसी अबाउट औरत के गुसल की रियायत, तो उसमें मिल जाएगा कि औरत को सिर्फ बाल अगर उसके ना भी सूखे भी रहें तो भी उसका गुस्ल जो है वो हो जाएगा, पूरे बाल धोना ज़रूरी नहीं है, वो वीडियो तफसील से देखें, वरना ख़वातीन की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में ख़वातीन के मसाइल, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो मिल जाएगी। नंबर 6 पर सवाल था, मर्द को कंधे के नीचे तक बाल रखना क्या है, इसका जवाब था मर्द को कंधे के नीचे बाल रखना हराम है। 7वां सवाल था, हैज़ वाली नापाक औरत अजान का जवाब दे सकती है, इसका जवाब था यस, जवाब देना चाहे तो हैज़ वाली औरत अजान का जवाब दे सकती है। 8वां सवाल था, तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ होते हैं, इसका सही जवाब था 3, तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ होते हैं। 9 पर सवाल था, नंबर 9 पर, किस तरह लेटना जहन्नमियों का तरीका है, इसका जवाब था पेट के बल लेटना, यानी उल्टे होके लेटना पेट के बल, ये जहन्नमियों का तरीका है। नंबर 10 पर सवाल था, ऐलान नबूवत से पहले जो बात खिलाफ़ आदत ज़ाहिर हो उसको क्या कहते हैं, तो सही जवाब था इरहास,
यानी ऐलान नबूवत से पहले और नबूवत के ऐलान के बाद जो मौजज़ा ज़ाहिर हो फिर उसको मौजज़ा कहते हैं, और कोई ऐसा मौजज़ा नबी के हाथ पर ज़ाहिर हो जो ऐलान नबूवत के ऐलान से पहले हो तो उसको इरहास कहते हैं। यदा सवाल थे मसाइल शरीयत सीज़न 2 के और इनके ये सही जवाब थे। बाकी नए आए हुए लोग या जो इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए मसाइल शरीयत चैनल पर ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट करवाया जाता है जिसकी सारी डिटेल आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। YouTube पे टाइप करें ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट कैसे दें, आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाएं मसाइल शरीयत चैनल की, वहाँ ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट की प्लेलिस्ट है, तो मसाइल शरीयत चैनल के रूल रेगुलेशन की वीडियो है। तो हर सैटरडे टेस्ट होता है ऑनलाइन, 10 सवाल होते हैं उनके जवाब होते हैं, एक सीज़न में 10 टेस्ट होते हैं, फिर सभी इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले विनर्स मेल फीमेल को जो है वो इनाम की रकम दी जाती है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो आने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर सैटरडे इंडिया टाइम के हिसाब से 9:50 पर वो टेस्ट होता है। तफसील के लिए यूट्यूब पर आसानी से टाइप करके आप वीडियो देख लें, सिकंदर वारसी ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट रूल, ये टाइप करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको रूल्स की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवा।